नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। निधि कंपनी एक बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। किसके कारण? दो कारण है। सबसे पहली बात यह कि जितने लोगों ने निधि कंपनी बनाई, उन्होंने उसको डिपॉजिट का एक जरिया माना। जो MLM कंपनी या मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले थे, उन्होंने कुछ गड़बड़ी कर दी, जिसके कारण सरकार को डाउट आ गया। सरकार को डाउट इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर लोग भाग गए। लेकिन बहुत सारे निधि कंपनियां आज भी भारत में चल रही है, जो बहुत अच्छे से काम कर रही है, नियम से काम कर रही है। 150% प्रॉफिट की जो हमारी किताब है और जो कॉन्सेप्ट है, उससे ज्यादा भी लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। मैंने तो एक जस्ट बेंचमार्क जैसा प्रॉफिट बताया था। लेकिन अभी का सिनेरियो ये है कि NDH-4 रिजेक्शन हो ही रहा है, कंपनी अप्रूवल हो नहीं रहा है। मैं NDH-4 रिजेक्शन के ऊपर बात करना चाहता हूं कि जिसको भी अगर लगता है, वेस्ट बंगाल में 3 दिन में हूं, 2 दिन तो मैं 100% हूं और तीसरा दिन का समय अलॉटमेंट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 3 दिन मैं हूं। उस 3 दिन के अंदर मैं किसी को भी अगर चाहिए कि सर मुझे अपील करना है, मुझे अपील क्यों करना है, क्योंकि NDH-4 में अगर गलत तरीके से आपका रिजेक्शन हुआ है, बेसिक इश्यूज आपके नहीं है, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम है, वो थोड़े थोड़े प्रॉब्लम का आप चेक कराना चाहते हो और अपील में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो ये जानना चाहते हो, तो मैं मिलना तो सबसे चाहता हूं। लेकिन हमारा जो फायदा ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंस एडवाइजरी एंड आइडिया डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसके जरिए मैं मिलना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों का, जिनको सच में प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सच में वो प्रॉब्लम में है कि नहीं है। सिर्फ इसीलिए वो एक 500 रुपीज का पेमेंट करेंगे ताकि सिर्फ सीरियस लोग आए। 500 रुपए भी खर्चा करना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उसके बाद भी मेरा समय इंपॉर्टेंट है कि मैं उनको समय दूं जो सच में सीरियस है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में कोई भी फाइनेंस बिजनेस से रिलेटेड पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं अपने व्यापार के बारे में, तो भी हमारे टीम से तुरंत अपॉइंटमेंट के लिए बात कर सकता है। तो दो चीजों के लिए मैं मिलूंगा और बहुत सारे एग्जीक्यूशन और वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट में हमारा काम है। तो सबसे पहला ये कि जिसको भी फाइलिंग करना है, हाईकोर्ट में फाइट करना है, अपने निधि कंपनी को बंद नहीं करना है, जो पहले निधि कंपनी बनाई थी 2022 से पहले, उनके लिए ज्यादा आसान है लड़ना और लड़ के निकलना। और जो नए हैं और उन्होंने फाइलिंग किया और उनका भी गलत तरीके से अगर रिजेक्शन हुआ, तो उनकी भी मदद मैं करने वाला हूं 100%। तो ये तो हो गया एक। और दूसरा, पर्सनल मीटिंग किसी को करना है तो अभी से हमारे टीम से अपॉइंटमेंट लेना होगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हमारे पास में, उतने ही लोगों से मैं मीटिंग कर सकता हूं। तो दो जरिया है। सबसे पहला ये कि अगर आप वेस्ट बंगाल में, हमारे फायदा के प्रेसिडेंट और फायदा के नेशनल सेक्रेटरी वहां पर है, वो जिनसे बात करेंगे, एक तो वो हो गए कि भैया उनसे डायरेक्टली मुलाकात कराने के लिए वो व्यक्ति वहां से डायरेक्टली मीटिंग पे आएंगे। इसके अलावा डायरेक्ट आप हमारे टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हो, जो अपॉइंटमेंट के लिए नीचे दिए गए नंबर है उस पे कनेक्ट हो जाइए। फायदा चाहते हो कि आपका व्यापार अटके नहीं, आगे बढ़े, तो तुरंत आ जाइए। निधि वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इसके अलावा आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, आपको पर्सनल मीटिंग का जरूरत है, आपको आइडिया वैलिडेशन करना है, आइडिया को ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड लेकर जाना है, उसके लिए भी आप मीटिंग करना चाहते हो, पर्सनल मीटिंग के लिए बुक कर लीजिए अपॉइंटमेंट। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, बहुत कम समय है, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।